Good evening to all. Very good evening and welcome to the Shaurya Bharat Defense Yodha YouTube channel. आप सभी का इस शौर्य भारत डिजिटल मंच पर स्वागत स्वागत सत्कार के लिए मैं चंद्रवीर आपके समक्ष जीके एडवांस जीके जो कि एनडीए सीडीएस एफकेट सीएपीएफ मैं ज्योग्राफी का पोर्शन उस पार्ट जीके को लेकर आपके समक्ष हूं और स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। ओबीएस में थोड़ा सा कंटिन्यूस स्ट्रीमिंग नहीं पा रही थी इसलिए यह समय लग गया, दो तीन बार रिफ्रेश करने के बाद ही स्टार्ट हो पाया, अदरवाइज स्ट्रीमिंग का बफर कंटिन्यूस बफरिंग चल रहा था, राइट। तो ध्यान दीजिए, आज की हमारी क्लास जीके और हमारा टॉपिक चल रहा है जीके में ज्योग्राफी में एक्सोजेनेटिक फोर्सेस बहिर्जात बल। आई थिंक इट इज नाउ एट द लास्ट स्टेज, दिस चैप्टर इज वेरी वास्ट, राइट। So move to the next one. This is vacancy alert for women. Military police में जो महिलाएं हैं वह जा सकती हैं या vacancy उनके लिए आ चुकी है और खुशखबरी है कि शौर्य भारत से यह कोर्स डाउनलोड कर सकते हैं और बनो शौर्य वीर और करो जीत की तैयारी। शौर्य भारत ऐप, शौर्य भारत डिफेंस एग्जाम लर्निंग ऐप, यहां आप देख सकते हैं कि ये इस इनका कोर्स इसमें बहुत अच्छी तरह से अवेलेबल होगा इस ऐप में। तो बहुत इंपॉर्टेंट महिलाओं के लिए कुछ फिजिकल स्टैंडर्ड्स, विमेन मिलिट्री पुलिस कोर्स अवेलेबल नाउ, राइट। तो कुछ तो स्टैंडर्ड है, फिजिकल स्टैंडर्ड और जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी बनती है वह 45% विद 33% इन ईच और इंडिविजुअल सब्जेक्ट, राइट। ओके फाइन, वेलकम माया, गुड इवनिंग। आकांक्षा, काफी टाइम बाद दिखे आप, वेरी गुड इवनिंग। काजल, गुड इवनिंग, वेलकम। एंड प्रकाश, आई एम हियर ओनली बट देयर इज अ प्रॉब्लम इन बफरिंग ऑफ स्ट्रीम, राइट। वो काफी लंबा चल रहा था और वही वेट कर रहा था मैं कि लाइव हो जाए, तो हो गया विद इन 5 मिनट्स, ये 5 मिनट एक्स्ट्रा ले गया। चलिए बढ़ते हैं इससे आगे, 9:30 बजे जो विविध की क्लास लेते हैं या कैप्टन सर लेते हैं तो अवश्य उस क्लास में आप जाइएगा और वहां पर सर करवा रहे हैं। पिछली परीक्षा में आए जीके के प्रश्नों पर अचूक प्रहार किसके लिए, आर्मी जीडी क्लर्क टेक्निकल एनए ट्रेडमैन एसएससी जीडी एयरफोर्स वाई ग्रुप और नेवी, इनसे रिलेटेड सभी कोर्स वाले अटेंड करने चाहिए उनको। और यह हल्लापुर कोर्स फॉर ऑल डिफेंस कोर्सेज 30 डेज कोर्स 999 रुपीज में स्टार्टिंग है शौर्य भारत ऐप पर। चलिए बढ़ते हैं आगे, टाइम टेबल हमारा थोड़ा सा चेंज हुआ था जो मैंने बता दिया, अपनी क्लास यही चल रही है, स्टार्ट से हम ले रहे हैं। हमने बात की थी कल जो ग्लेशियर थे उनकी बात की थी, राइट। ग्लेशियर के बारे में एक बार मैं रिफ्रेश कर देता हूं जो नए आए हैं उन सभी को। अनिकेत दीक्षित, जय हिंद, वेलकम। ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर्स आर मास ऑफ आइस मूविंग अंडर इट्स ओन वेट, अपने खुद के भार के नीचे वो चलते रहते हैं। मास ऑफ आइस क्या होते हैं? मास ऑफ आइस, आइस के क्या है ये? मास है। मूविंग अंडर इट्स ओन वेट दे आर कॉमनली फाउंड इन स्नो फील्ड्स, कहां पाए जाते हैं? जो स्नो फील्ड्स होता है उसमें। और वी नो दैट द लैंड मास ऑफ द अर्थ इज नॉट एंटायरली द सेम एज वी सी अराउंड, क्योंकि कहीं ग्लेशियर है अनइवन है लैंड मास बहुत। Some areas are covered by thick green forest while some with dry hot desert and some with permanent ice covers etc. So landmass is not regular or even in its nature. And so important point tha, question banta hai ispe, glaciers cover about 10% of Earth's land surface. Kitna cover karte hain? 10%. Glacier kitna cover karte hain? 10% of Earth's land surface. And they are the largest freshwater reservoirs on Earth. Very important point. Largest freshwater reservoirs on the Earth. Among these varied landmasses, the permanently ice-covered region, permanently ice-covered region on the Earth surface are called as snow fields. And there is a snow line. So, तीन वर्ड यहां पर जो इंपॉर्टेंट आए, वर्ड है ग्लेशियर जिसको हम हिंदी में हिमानी कहते हैं,
क्या कहते हैं हिमानी, दूसरा वर्ड आया यहां स्नोफील्ड, कौन सा वर्ड आया है स्नोफील्ड्स, एंड थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वन इज स्नो लाइन, थर्ड वन इज स्नो लाइन। आई थिंक दिस स्नो लाइन रिटन विथ व्हाइट कलर कैन बी सीन बाय यू इजिली। जतिन मेहरा गुड इवनिंग, रंजीत वेरी गुड इवनिंग, जय हिंद जय भारत, सभी का स्वागत। और आ जाइए सभी को बुला दीजिए, अपने क्लासमेट को सभी को जगा दीजिए। स्नो लाइन, दिस वन इज स्नो लाइन राइट, सो स्नो फील्ड्स, स्नो लाइन्स एंड हिमानी और ग्लेशियर राइट। सो दीज आर वेरियस टर्म्स इन दिस रिस्पेक्ट। व्हाट इज स्नो लाइन? द लोवेस्ट लिमिट ऑफ परमानेंट स्नो, लोवेस्ट लिमिट ऑफ परमानेंट स्नो और स्नो फील्ड इज कॉल्ड स्नो लाइन। लोवेस्ट लिमिट जहां एंड हो रहा है वह क्या कहलाता है? वह स्नो लाइन कहलाता है, दैट इज नोन एज स्नो लाइन। हिम रेखा, क्योंकि बर्फ पूर्णतया कभी नहीं पिघलती है और उसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण बना रहता है ना, कुछ लोवेस्ट होगा पर थोड़ा बहुत तो रहेगा ही, दैट लाइन इज नोन एज स्नो लाइन और हिंदी में हिमरेखा कहते हैं राइट। ओके आदित्य वेरी गुड इवनिंग, वेलकम। भूमध्य रेखा पे हिमरेखा की ऊंचाई कितनी है सर? भूमध्य रेखा पर हिमरेखा की ऊंचाई 6000 मीटर है। कितनी है? 6000 मीटर। वेरी सिंपल, जो भूमध्य रेखा है हमारी, पोलर जो इक्वेटर है, जो 0 डिग्री है, जिसे विषुवत रेखा भी कहते हैं, वहां पर 6000 मीटर है। देखिए वहां पर स्नो लाइन जो होती है वह कितनी है? 6000 मीटर। और यही बात में अगर माउंटेनस ओरोजेनिक मूवमेंट्स जो होते हैं, जो ओरोजेनिक मूवमेंट्स यानी जो पर्वत बनने की जो घटना होती है, जो हिमालयन रीजन्स हैं, वहां पे बात करूं, वहां स्नो लाइन की हाइट कितनी है, तो वहां पर स्नो आपको क्या लगता है जो स्नो लाइन है उसकी हाइट कितनी होगी? 6000 से ज्यादा होगी या कम होगी? कितनी होगी? प्रिंस वेलकम। भूमध्य रेखा पर यानी इक्वेटर पर जो हाइट है स्नो की वह है 6000 मीटर। जैसे जैसे इक्वेटर से हम पोलर रीजन की तरफ जाएंगे तो हिमरेखा की जो यानी स्नो लाइन की जो हाइट है वह कम होती जाती है, डिक्रीज होती है। क्या होती है? डिक्रीज होती है। थ्रू हम जाएंगे 0 डिग्री से हम जाएंगे 90 डिग्री की तरफ यानी पोलर रीजन की तरफ। तो 0 डिग्री से 90 की तरफ जाएंगे तो जो स्नो लाइन है वह क्या होती जाएगी? उसकी हाइट है जो कम होती जाएगी। इक्वेटर मैक्सिमम 6000 मीटर, माउंटेनस रीजन हिमालयन रीजन में यह हो जाती है 5500 मीटर। 5500 मीटर। एंड थर्ड वन इंपॉर्टेंट फैक्ट इज द हाइट ऑफ दिस स्नो लाइन इज डिक्रीजिंग व्हेन वी मूव फ्रॉम equator towards polar regions, when we move from equator towards polar region right? Yes, very good Maya, good answer। हाँ कम होती जाती है। चलिए बढ़ते हैं आगे और then move to the next one। So important point है, ये सारे तीनों point cover करने हमको, snow line 6000 meter पहला point आया, then 5500 मीटर हिमालयन रीजन में, दिस व्हाइट कलर इज विजिबल
when I write with this white color or there is a problem in visibility, it is clearly visible or not? Let's move further. So glaciers cover about 10% of Earth masses. Important point again. Glacier kitna cover karte hain? 10% land masses or Earth surface. They form features like ये बात की थी crevasses, cirques, etc. बढ़ते इससे आगे और हमने बात की थी ogives are alternating wave crest and ogives क्या होते हैं? Alternative wave है, crest and valleys. यानी जो वेव चलती है इस तरह से ऐसे, ये वैलीज है तो वैलीज में क्या आएगा? ट्रो. क्या आ जाएगा? ट्रो. और ये क्या होगा? क्रेस्ट. ट्रो यानी गर्त, खड्डा, और क्रेस्ट यानी अपर पार्ट, एपेक्स. सो दैट अपीयर एज डार्क एंड दे अपीयर एज डार्क एंड लाइट बैंड्स ऑफ आइस on glacier surfaces. They are linked to seasonal motion of glaciers. And the width of one dark and one light band generally equals the annual movement of the glaciers. जो ये strips होती है, dark light की वह उसके बराबर होती, right? Okay, fine है, good. It is clear with if I write with this white color, then it is good. Then move further. On the basis of location of the glacier, they can be classified as continental glacier and the second one is the valley or mountainous glacier. Valley or mountainous, continental glacier or Piedmont glacier, sometimes also known as plains. Piedmont plains होते हैं, मैदान होते हैं, ground होते हैं, field होते हैं, right? They move outward in all directions. कौन से? Continental or Piedmont. सभी direction में चले जाते हैं. Valley, they move from higher valley कब बनेगी? When you are at higher elevation, then move towards lower surface, right? So higher elevation to lower, jayenge to valley, mountain, glacier bante hain. Then erosional landforms, ye bahut important hai, yahan question hi question bante hain. First jo thi wo cirque aur quarries, bataya tha maine bahut acche se diagram se, photograph dekhiye, ye cirque, ek aaram kursi pe agar baithe hain, to ye cirque ban jata hai aise. This one is your cirque. ऐसे बैठ जाइए इस पे और ये आराम कुर्सी हो गई, इस तरह से हिलते रहेंगे तो ये बन गया आपका cirque. ये depression था hills में, वहां पर glaciation हुआ और ये cirque बन गया. और दूसरा होता है Tarn Lake. ये Tarn Lake है जहां rills बन जाती है काफी सारे glaciers की, वो deposit हो जाती है और यहां पर ये Tarn Lake और Koori Lake बन जाती है. So there is a two important erosional landforms. ये erosional है, depositional नहीं है. अपरदन के कारण, अपरदन किसने किया? हिमानी अथवा ग्लेशियर ने. तो जो अपरदन के कारण erosional landforms due to glaciers. हेडिंग पे ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट वन. पहला है cirque. पहला ही कौन सा है? cirque. एंड दे आर डीप, दे आर डीप long and wide troughs are basins with very steep concave to vertically dropping high walls as well as sides. ये बात कर ली थी हमने. तो erosional है, cirque हो गया, Tarn Lake हो गया, next hanging valleys और U-shaped valleys. Hanging valleys और U-shaped valleys, साथ ही साथ fjords और fjords. बहुत ही खूबसूरत जो pictures की जो scene होता है इसका, fjord का, जो Norway के fjord coastal areas है वो फोटो में दिखाया था मैंने. ग्लेशियर डज नॉट क्रिएट ए न्यू वैली, इंपॉर्टेंट वन, नेवर क्रिएट ए न्यू वैली, बट लाइक ए रिवर डज, बट ग्लेशियर डीपन्स एंड वाइडन्स अ प्री एग्जिस्टिंग वैली बाय स्मूथिंग अवे द इररेगुलरिटीज. ग्लेशियर के अगर रास्ते में कोई चट्टान का इंटरफेरेंस आता है तो उसके ऊपर से फ्रिक्शन करता है, उसको भी वैसा ही स्मूथ चिकना बना देता है, एकदम चिकना बनाकर उसके ऊपर से निकल जाता है. जब वह जहां गिरता है तो उसकी बैक साइड में वो उबड़ खाबड़ कट पट करके गिरता है, तो वो जो दूर से दिखाई देता है वो बिल्कुल एक शीप के जो बाल होते हैं, भेड़ के, वो जो वूल होती है ना, बाल मतलब जो वूल होती है, वो इस तरह से दिखाई देता है, उबड़ खाबड़ टूटा हुआ.
जबकि जो ऊपरी सिरा हुआ जहां से फ्रिक्शन किया और ग्लेशियर ने उसको ओवरलैप करके उससे ऊपर से निकला था, वो उसको बना देता है एकदम स्मूथ चिकना, राइट, दैट इज नोन एज रॉशी माउंटेन्स। उसको क्या कहते हैं? रॉशी माउंटेन्स, भेड़ शिला का नाम दिया गया, राइट। देन दीज वैलीज विच आर फॉर्म्ड बाय द ग्लेशियर इरोजन्स अज्यूम द शेप ऑफ अ लेटर यू। बताया था मैंने यू लेटर कैसे है, फोटो में देखिए, यू विल आज दिस फोटोग्राफ फिज आउट, ये तो है यू वैली, देखिए यहां पर आपको क्लियर ये दिख रहा होगा, यू यहां बना हुआ रफली, अगर इसको देखें तो यू दिख रहा है, ये यू वैली हो गई, बिल्कुल यू जैसा स्ट्रक्चर, बड़ा ही अच्छा सीन है। और ये है फिजॉर्ड, बहुत ही शानदार पिक्चर्स, क्यू लस्ट्रस ग्रीन, जो ये खड़ी दीवारें हैं ये इसका क्या बना देती है, तट, है ना, तो ये बन जाता है फिजॉर्ड, ये नॉर्वेजियन फिजॉर्ड है, नॉर्वे का फिजॉर्ड का फोटोग्राफ है, राइट। लेट्स मूव फर्दर, ये है आपकी यू आकार की घाटी जिसे कहते हैं यू वैली, यू शेप्ड वैली, यही बात कर रहे थे हम, यू शेप्ड वैली ऑफ फिजॉर्ड इज ए वेरी डीप ग्लेशियल ट्रो। फिजॉर्ड क्या है? बहुत ही डीप ग्लेशियल ट्रो है, फिल्ड विद सी वाटर एंड मेकिंग अप शोर लाइंस, और क्या बनाता है? शोर लाइंस बनाता है। अब फिजॉर्ड इज फॉर्म्ड व्हेन ए ग्लेशियर कट्स ए यू शेप्ड वैली बाय आइस सेग्रीगेशन एंड एब्रेशन ऑफ द सराउंडिंग बेडरॉक एंड दिस ग्रेजुअली गेट्स फिल्ड विद द सी वाटर। अब कहां कहां मिलते हैं फिजॉर्ड्स या फ्योर्ड्स? देखिए नॉर्वे फेमस है फर्स्ट, देन ऑफ कोर्स चिली, चाइल्ड, राइट, चाइल्ड, न्यूजीलैंड एंड कनाडा, ग्रीनलैंड एंड द यूएस स्टेट ऑफ अलास्का, अलास्का के भी फ्योर्ड बहुत फेमस यहां पर मिलते हैं ये फ्योर्ड, जो शूटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुंदर होते हैं, या फ्योर्ड है या यू शेप वैलीज। देन ये यहां तक हमने बात की थी, ये है गिरी श्रृंग या हॉर्न, इसको क्या बोला जाता है? हॉर्न। और हमने बात की थी हॉर्न या श्रृंग कहते हैं हिंदी में इसको, क्या कहते हैं? श्रृंग। सिंग जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, सिंग, तो मैटहॉर्न वेरी फेमस, मैटहॉर्न कहां का? स्विट्जरलैंड, ये बनता है हॉर्न और वो बन जाता है, उसकी बात की थी हमने, वो क्या था? एक तो हॉर्न था और क्या बताया था जल्दी से बता दीजिए मैसेज बॉक्स में, वह स्ट्रक्चर क्या कहलाता है जिसका सॉ टूथेड प्रोजेक्शन, मैंने बताया था आरी के समान ऊपर की जो संरचना है इस तरह से ये स्ट्रक्चर होता है, और ये जो स्ट्रक्चर बनता है, यह जो आरी होती ना जो कारपेंटर काटते हैं उससे, उसके दांते होते हैं, तो सॉ टूथ प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, इसे क्या कहा जाता है जल्दी से बता दीजिए। इसे कहा जाता है एरीट, क्या कहा जाता है? एरीट। क्या कहा जाता है इसको? एरीट, है ना, बिल्कुल नुकीला हो जाता है, दोनों तरफ सर्क बन गए, दोनों तरफ सर्क बन जाने से ऊपर का भाग जो क्या हो जाता है? नुकीला, नहीं नुनाटक नहीं होगा, इसको नुनाटक थोड़ी कहते हैं, ये नुनाटक तो टीले होते हैं। देखिए ये तो है एरिट, क्या है? एरिट, किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क विकसित हो जाने के कारण जो बीच में से आरी के समान नुकीले जो बन जाते हैं वह तो कहलाते हैं एरिट। एंड हाँ एरिट, यस माया रंजीत, यस फाइन। और देन नुनाटक का द हायर पीक्स एंड माउंट्स, चलिए नुनाटक की बात करते हैं, नुनाटक के बारे में लिख लीजिए, नुनाटक आर द हायर पीक्स एंड माउंट्स सराउंडेड बाय आइस, नुनाटक आर द हायर पीक्स एंड माउंट्स। नुनाटक क्या है? What are the Nunataks? Horns and Arids की बात करूंगा, उसके बाद आएगा नुनाटक और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स आ गया यहां पे। फर्स्ट नुनाटक यहां आना चाहिए, नुनाटक।
Nunataks are the higher peaks and mounds surrounded by ice. Surrounded by ice, right? From all around. Are known as Nunatak. Right? Horns and arids kya hai? Dekhiye, horns and arids. Horns are शार्प पॉइंटेड एंड स्टीप साइडेड पीक्स. तो हॉर्न्स तो क्लियर है, हॉर्न्स में तो कुछ प्रॉब्लम आनी चाहिए. शार्प और पीक्स है, बिल्कुल दोनों स्टीप साइड है. ये हॉर्न्स है, मैटहॉर्न फेमस है स्विट्जरलैंड का, राइट. एंड एक और हॉर्न आता है अफ्रीकन हॉर्न, नाम सुना होगा आपने, अफ्रीकन हॉर्न सुना हुआ है. तो अफ्रीकन हॉर्न में सोमालिया, इथोपिया, इरिट्रिया, केन्या, ये सारी कंट्रीज वहां पर पास में आपका सोमालियन सी आता है, सोमाली सी कहते हैं, सोमाली समुद्र. और वहीं से थोड़ा सा आगे जाए तो गल्फ ऑफ अदन, अदन की खाड़ी, उससे ऊपर जाए तो है ना, मैप दिमाग में चलता रहना चाहिए. अदन की, गल्फ ऑफ अदन से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो रेड सी आ जाएगा, रेड सी और आगे मेडिटेरेनियन सी, इन दोनों को कनेक्ट करने वाली कैनाल स्वेज कैनाल, राइट. ओके फाइन, चलिए बढ़ते इससे आगे. सो दिस इज हॉर्न एंड व्हेन दैट दे आर फॉर्म्ड बाय हेडवर्ड इरोजन ऑफ सर्प वॉल. नेक्स्ट, व्हेन द डिवाइड बिटवीन टू सर्प वॉल्स गेट्स नैरो, है ना, सर्प वॉल के बाद डिवाइड नैरो हो जाता है बिकॉज ऑफ प्रोग्रेसिव इरोजन्स, इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉ टूथ रिज और प्रोजेक्शन कॉल्ड एरीट. आरी के समान नुकीला स्ट्रक्चर बन जाता है. आरी होती है ऐसी, कैसी होती है, सॉ ऐसी कुछ होती है, कारपेंटर के पास देखी हुई है स्ट्रक्चर, ऐसा कुछ होता है. इस तरह से होता है कुछ, तो यही होती है वह, तो इस तरह से नुकीला स्ट्रक्चर बनने लग जाता है, उसको कहते हैं सॉ टूथ रिज नोन एज एरिट. लेट्स मूव फर्दर. नाउ कम डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स ड्यू टू ग्लेशियर्स. अभी हमने इरोजनल लैंडफॉर्म्स पढ़े थे, वो सारे अपरदन की क्रियाओं के कारण निर्मित थे जो हिमानी द्वारा की गई थी, हिमानी से की जाने वाली अपरदन क्रियाओं द्वारा. अब आ रहा है जमाव क्रियाओं द्वारा, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स बाय ग्लेशियर्स. ग्लेशियल डिपॉजिट्स आर ऑफ टू टाइप्स. कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट, ग्लेशियल डिपॉजिट्स आर ऑफ टू टाइप. फर्स्ट वन, ग्लेशियल टिल. क्या है ग्लेशियल टिल? देखिए, ग्लेशियल टिल क्या है? सेडिमेंट्स का डिपोजिशन. व्हाट इज ग्लेशियल टिल? ग्लेशियल अपने आगे जो उसके फॉरवर्ड मूवमेंट्स पर अपने आगे क्या डिपॉजिट करता है, वो जो सेडिमेंट साथ ला रहा है उसको सब आगे डिपॉजिट कर देता है. दैट इज नोन एज ग्लेशियल टिल. उसे क्या कहते हैं? ग्लेशियल टिल. अन असॉर्टेड कोर्स एंड फाइन डेब्रीज, मलबा जो है वह सब ग्लेशियल टिल. अभी मैं फोटोग्राफ में आपको बता दूं. एंड सेकेंड वन इज द आउटवॉश असॉर्टेड. देखिए, यह अनअसॉर्टेड होता है, यह असॉर्टेड होते हैं आउटवॉश. रफली स्ट्रेटिफाइड डिपॉजिट्स, इनका स्तरीकरण होता है, लेयर्स बन जाती है. रफली, एग्जैक्ट लेयर्स नहीं होती है, रफली स्ट्रेटिफाइड इनका स्तरीकरण हो जाता है. क्या हो जाता है? स्तर बन जाते हैं, तो उसको कहा जाता है आउटवॉश. क्या कहा जाता है? आउटवॉश, राइट. आई थिंक इट इज क्लियर. लेट्स मूव फर्दर.
एंड सो टू टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, ग्लेशियल डिपॉजिट्स. फर्स्ट वन इज द ग्लेशियल टेल, सेकंड वन इज द आउटवॉश. मूव फर्दर, इसमें आता है सबसे पहले मोरेन्स. मोरेन्स, मोरेन्स को कहते हैं हिमोड. क्या बन जाते हैं? हिमोड. यह एक निक्षेप है, यह एक जमाव है, एक डिपोजिशन है जहां ग्लेशियर मूवमेंट करता है, वाटर एक्यूमुलेटेड हो जाता है. हिमानियों द्वारा अपर्दित व परिवहित पदार्थों का निक्षेप, सेडिमेंटेशन, जमाव क्या कहलाता है? हिमोड कहलाता है. हिमानियों द्वारा अपर्दित एवं परिवहित, यानी जो एक बार तो अपर्दन हुआ और उसको प्रवाहित करके आगे ले गए और वह डिपॉजिट होता गया, दैट इज हिमोड और नोन एज मोरेन्स. द लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड बाय द डिपॉजिशन ऑफ इरोडेड एंड ट्रांसपोर्टेड, दोनों वर्ड आगे इरोड एंड ट्रांसपोर्टेड मटेरियल्स लाइक रॉक्स दैट आर शटर्ड बाय फ्रॉस्ट एक्शन इज कॉल्ड मोरेन, इज कॉल्ड मोरेन. सो मोरेन्स आर लॉन्ग रिजेस ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ ग्लेशियर टिल. फर्स्ट पॉइंट, व्हेन दीज डिपॉजिट्स आर एट द एंड ऑफ ग्लेशियर. अब यहां अलग अलग मोरेन्स है. देखिए, जब ये डिपॉजिट ग्लेशियर के एंड, जहां ग्लेशियर खत्म हो रहा है वहां बनते हैं, तो उनको कहा जाता है टर्मिनल मोरेन्स. उनको क्या कहा जाता है? टर्मिनल मोरेन्स. यहां जो ग्लेशियर है क्या होता है? मेल्ट होता है. अभी जब हम पिक देखेंगे, फोटो देखेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा क्या होता है. मेल्ट होता है, पिघलता है, और पिघलेगा तो वह बहने लगेगा, तो वह जो जमाव करता जाता है वही बन जाते हैं मोरेन्स और हिमोड. तो जहां ये एंड होता है वहां जो मोरेन्स बनता है उसको हमने टर्मिनल मोरेन्स कह दिया. फिर क्या कहा? व्हेन दे आर डिपॉजिटेड ऑन बोथ साइड्स, दोनों ही साइड में डिपॉजिट कर देंगे, तो साइड को हमेशा वर्ड दिया जाता है लेटरल. क्या बोला जाता है? लेटरल, या हिंदी में प्योर जो हिंदी का वर्ड है वह कहलाता है, एक शुद्ध हिंदी वर्ड है इसके लिए, पार्श्वीय, किनारों पर, साइड में, पार्श्व, है ना, लेटरल मोरेन्स. क्या कहलाएगा? पार्श्वीय हिमोड. क्या कहलाएगा? पार्श्वीय, या साइड में, दोनों साइड में जमा होते जाते हैं. एंड नंबर थर्ड, व्हेन लेटरल मोरेन्स ऑफ टू ग्लेशियर्स जॉइन टुगेदर. जब ये लेटरल मोरेन्स है दो ग्लेशियर के, एक दूसरे को ज्वाइन कर लेते हैं, ये दो ग्लेशियर है, इसका एक लेटरल, इसका एक लेटरल, एक ये लेटरल कॉमन हो जाएगा, दे फॉर्म मीडियल मोरेन्स. वह क्या बनाते हैं? वह मीडियल मोरेन्स बनाते हैं. दे फॉर्म मीडियल मोरेन्स, राइट. Let's move. See the moraines. यहां देखिए आप moraines को. In दोनों पिक में. That one is the original pick of moraines. ये क्या है? Original pick है moraines की. जो glacier था वह melt हुआ और movement करने लग गया. तो ये बन गए moraines. Different kind of structure known as moraines, right? Water accumulate होता जाता है, deposit होता जाता है और glacier movement करता जाता है. इस pic को यदि हम इस diagrammatic pic में देखते हैं, तो यहाँ देखिए moraines किस तरह से show हो रहा है. यहाँ देखिए, first हमने बात की थी terminus of glacier,
यहां एंड हो रहा है ग्लेशियर, ये देखिए ग्लेशियर एंड हो रहा है, ये यहां पर पॉइंट लगाया हुआ है टर्मिनस ऑफ ग्लेशियर, दिस पॉइंट यहां एंड हो रहा है ग्लेशियर, तो इसको हम क्या अभी नाम दिया था हमने एंड मोरेंस और टर्मिनल मोरेंस, तो वो कहां हुए, ये जैसे ही एंड होता है तो इस तरह के ये स्ट्रक्चर डिपोजिशन होते हैं, इन्हीं को कहा जाता है एंड मोरेंस, एंड कह दे या फिर टर्मिनल कह दे एक ही बात, राइट। हरेंद्र मुंडल वेलकम, देखिए बहुत ही कम है ना शेयर नहीं करते इस क्लास को, ऐसा लग रहा है जो आए थे वो भी चले गए। जो आए थे वो भी चले गए, चलिए जो पढ़ेंगे वही पढ़ेंगे, इसमें क्या है, सो टर्मिनस ऑफ ग्लेशियर, देन यहां से ग्लेशियर क्या होता है, यहां से ग्लेशियर बनाता है डिपोजिशन रिसेशनल, वापस बैक हटते हैं तो इनको कहा जाता है रिसेशनल मोरेन, ये ग्राउंड में शुरू हो जाते हैं तो ग्राउंड मोरेन, टर्मिनल मोरेन यहां पर ये टर्मिनल मोरेन आ गया, यहां पर लास्टली ये टर्मिनल एंड हो गया, ये जैसे एंड मोरेन होते हैं डिपोजिशन एंड होते हैं तो टर्मिनल मोरेन बन गया ये। अभी हमने देखा था आउटवॉश, ये आउटवॉश है, ये ग्लेशियर फिर ब्रांचेस में चला गया, यहां जो डिपोजिशन है यह सारा क्या कहलाता है आउटवॉश, और ये डिपोजिशन है ग्लेशियल टिल, क्या है ग्लेशियल टिल, राइट। अब देखते हैं लेटरल मोरेन्स, ये जो स्ट्रक्चर है और ये जो स्ट्रक्चर है दोनों साइड के हैं तो ये लेटरल मोरेन्स हो गए। फिर हमने बात की थी दो लेटरल मोरेन्स, यानी दो ग्लेशियर के जो लेटरल मोरेन्स है वो एक दूसरे को जोड़ते हैं, तो उसे हमने मीडियल मोरेन्स कहा था, क्या कहा था, ये आपके मीडियल मोरेन्स है, ये लाइन और ये लाइन ये जोड़ रही है दो ग्लेशियर को तो मीडियल मोरेन्स बन गई। ये इसके लिए लेटरल कौन सा हुआ, एक ग्लेशियर का लेटरल ये हुआ, दूसरे ग्लेशियर का लेटरल दोनों का कॉमन हो गया और इधर वाला लेटरल हो गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर होना चाहिए लेकिन ये कॉमन हो गया, इसी को मीडियल कह दिया जो बीच में जोड़ रही है। दिस इज हाउ मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर एंड देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मोरेन्स, हिमोड बन जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं, राइट। मोरेन्स एंड समटाइम्स दिस इज योर वेरियस टाइप्स ऑफ मोरेन्स विथ अनदर वन इज आउटवॉश, आई थिंक इट इज क्लियर फ्रॉम दिस पिक और फोटोग्राफ। आप सो जाते होंगे, सो कैसे जाते हैं माया, जुनून कभी सोने नहीं देता है, राइट। राघव एस आर, राघव कह रहे सर आपकी ऑफलाइन क्लास कब से स्टार्ट हो रही है और कितने स्टूडेंट्स आ गए हैं। भाई ऑफलाइन तो अभी तक कोई स्टार्ट नहीं की गई है, किस स्ट्रीम के लिए आप ऑफलाइन क्लास का कह रहे हैं राघव, एक बार बता दीजिए, ऐसी सीडीएस एनडी एफकैट के लिए कह रहे हैं या और कोई कैटेगरी एग्जाम की। यस रंजीत एग्जैक्ट, सो दिस इज मोरेन्स और आउटवॉश, राइट। लेट्स मूव फर्दर, एक और स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहा जाता है इस्कस, क्या बोला जाता है इस्कस, देखते हैं इस्कस क्या होते हैं। जय हिंद, जय हिंद, जय द्वारकाधीश, आप आ गए ट्रेंडी श्वेता, वेलकम टू द शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल। जय रणछोड़ राय, जय डाकोर, जय द्वारकाधीश, मुकेश वेलकम। सो नाउ देन एस्कर्स, व्हेन ग्लेशियर्स मेल्ट इन समर द वॉटर विच फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग अक्यूमुलेट्स बीनीथ द ग्लेशियर एंड फ्लोज लाइक स्ट्रीम्स इन चैनल्स बीनीथ दैट आइस। बर्फ के नीचे जो वाटर एक्यूमुलेट हो गया था क्योंकि ग्लेशियर मेल्ट हुए थे,
जब टेम्परेचर राइज हुआ, गर्मी हुई, तो क्या हुआ, ग्लेशियर मेल्ट हुए समर में. द वॉटर विच फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ मेल्टिंग अक्यूमुलेट्स बीनीथ द ग्लेशियर. उन ग्लेशियर के नीचे, हिमानी के नीचे पानी क्या हो जाता है, जमा हो जाता है. फिर वो बहता है अपने अपने छोटे छोटे प्रवाहों में या चैनल्स के माध्यम से बीनीथ दैट आइस, जिसे हम क्या कहते हैं, एस्कर्स. और उसके ऊपर वेरी कोर्स मटेरियल लाइक बाउल्डर्स, ब्लॉक्स एंड सम माइनर फ्रैक्शंस ऑफ रॉक डेब्रीज, मलबा, चट्टानों का मलबा आर कैरिड अवे बाय दीज स्ट्रीम्स. तो ये स्ट्रीम्स अपने साथ क्या क्या लाती है, देखिए, वेरी कोर्स मटेरियल, बड़ा कोर्स मटेरियल लाइक बाउल्डर्स, ब्लॉक्स एंड सम माइनर फ्रैक्शंस ऑल्सो. ये तो बड़े हो गए, मेजर फ्रैक्शन, देन माइनर फ्रैक्शंस ऑफ किसके, रॉक डेब्रीज के, आर कैरिड अवे बाय दीज स्ट्रीम्स. राइट, कहां है ये स्ट्रीम्स, देखिए इस तरह से ये बनता है एस्कर्स. ये क्या बन जाता है, एस्कर्स. ये सारा डिपोजिशन हो गया रॉक का मलबा, ये सब कुछ ये एस्कर्स है. बहुत बड़े बड़े एस्कर्स बन जाते हैं इस तरह से. ये मलबा यहां डिपोजिट हो गया, ये मलबा यहां डिपोजिट हो गया, आप देख पा रहे हैं इस पिक में. दिस इज नोन एज एस्कर्स. इसे क्या कहा जाता है, इसे एस्कर्स कहा जाता है. Right? This is known as eskers. This topography is eskers. Then, अब जो eskers बन गए थे, वो water channel अपने साथ, जो streams थे, वो क्या लेकर आए? उन्होंने cores और जो minor rock fractions थे. और कोर्स ग्रैन्यूल्स में बाउल्डर थे, ब्लॉक्स थे, उनको डिपॉजिट कर दिया. सो दे लेटर गेट डिपॉजिटेड इन द वैलीज इटसेल्फ. वो धीरे धीरे फिर क्या, और डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं उस घाटी में. भाई आपकी सुनली राघव एसआर, मैं आपको ही संबोधित करके कह रहा हूं राघव, शत प्रतिशत आपकी सुन लिया था मैंने, यही पूछा था आपसे, आप किस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए पूछ रहे हैं, क्या वह एनडीए सीडीएस एफकेट सीएपीएफ का एग्जाम है या कोई और कोई एग्जाम है. मैं इस कैटेगरी के एग्जाम के लिए राघव आपसे पूछ रहा हूं, मेरा मैसेज, मेरी आवाज आप तक आ रही है, तो यही पूछ रहा हूं मैं कि आप कौन सी क्लास की तैयारी कर रहे हैं, किस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो बता दीजिए, फिर मैं बताऊंगा. आप लाइक करें, आप लाइक करते तो भी मैं बताऊंगा, नहीं करेंगे तो भी मैं बता दूंगा. सो डोंट थिंक के आपने शेयर कर दिया, लाइक कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. आपने पूछा है, मेरा ड्यूटी बनता है कि मैं आपको बताऊं 100%. राइट राघव, एनए की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, नर्सिंग असिस्टेंट या और कोई, एनए का एब्रीविएशन तो यही होता है, नर्सिंग असिस्टेंट या फिर और कोई एग्जाम. केवल आप राइट का अंगूठा दिखा सकते हैं, यस कह सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट मींस एनए आई थिंक. यस आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट, मैं समझ गया. तो ऑफलाइन क्लासेस एनए टेक की स्टार्ट कल से हो गई है ना, कल से हो रही है स्टार्ट, आज भी लग गई थी क्लासेस तो अपनी एकेडमी में, तो आप वहां आ सकते हैं. राइट, सर रिपरक्यूशन का मीनिंग क्या होता है, प्रिंस रिपरक्यूशन का मीनिंग मैं अभी आपको बताता हूं, कुछ देर वेट कीजिए. राइट, एस्कर्स पे आते हैं वापस. दे लेटर गेट डिपॉजिटेड इन द वैलीज इटसेल्फ.
एंड वंस द आइस मेल्ट्स कंप्लीटली दे आर विजिबल टू द सरफेस एज साइनस रिजेस। जब पूरी तरह से ग्लेशियर का बर्फ पिघल जाता है दे आर विजिबल टू द सरफेस एज साइनस रिजेस। दीज रिजेस आर कॉल्ड एज एस्कर्स। ये जो रिज बन जाते हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? ये पूरी तरह पिघल गया पानी, बर्फ जो पिघल चुका है और ये इस तरह की स्ट्रक्चर्स बन जाते हैं वह क्या कहलाते हैं? दीज रिजेस आर नोन एज एस्कर्स, राइट? दीज रिजेस आर नोन एज एस्कर्स। Then after eskers, let's move further. Drumlins. Another one is drumlins. The dome shaped structure. Drumlins क्या होते हैं? Dome shaped structure. Drumlins are dome shaped structures or dome shaped mounds of rounded hummocks resulting from the deposition of glacial till. Yes, drumlins. They are smooth, oval-shaped, ridge-like structures, dome-shaped structures भी इनको कहा जा सकता है. They are smooth, oval-shaped, ridge-like structures, composed mainly of glacial till. किससे बने रहते हैं? ग्लेशियल टिल से, यानी सेडिमेंट्स जो डिपॉजिट होते हैं उनसे, जो सेडिमेंट्स डिपॉजिट होते हैं उनसे। ओवल शेप्ड, अंडाकार, कई बार इनको क्या कहा जाता है? देखिए जो ड्रमलिंस जो टोपोग्राफी है, सच ऐसी टोपोग्राफी को, इसको बहुत फेमस है, यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। क्या कहा जाता है? बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। और बड़ा फेमस क्वेश्चन है, यूपीएससी ने कई बार पूछा है, विच टोपोग्राफी इज सिमिलर टू और लुक्स लाइक बास्केट ऑफ एग? देन राइट आंसर इज ड्रमलिंस। क्या आंसर हो जाएगा? ड्रमलिंस, राइट? ओके फाइन। Let's move further. Yes, Ranjit, Eskers, Europe, South America, yes. Sediment, Trendy Shweta, yes. Sediment, any avsad. Avsad जो जम जाते हैं ना उनको sediment कहते हैं। Fan Benival का क्या बात है? जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। और रंजीत के ओके क्या कह रहे हैं? स्कर्स यूरोप साउथ अमेरिका में है, बिल्कुल बनते हैं वहीं पे, कनाडा में बहुत है। इट शेप्स लाइक एन इन्वर्टेड स्पून। ड्रमलिंस कैसे हैं? जैसे अगर हम एक चम्मच को उल्टा रख दें ऐसे,
ऐसा ही दिखेगा उल्टा लिखने पर। एक चम्मच को कैसा रखना है? उल्टा। तो ये जो स्लोप्स बनेगा ऐसा एक स्लोप बन जाता है और ये स्ट्रक्चर अबव हो जाता है। तो यहां पर स्ट्रॉस बनता है, ये ली भी बनता है ना, ली और स्ट्रॉस इस तरह से बनते हैं। एक चम्मच को क्या रखा मैंने? उल्टा कर दिया, लाइक एन इनवर्टेड स्पून विद द हाइएस्ट पार्ट इज कॉल्ड एज स्ट्रॉस। ये जो उठा हुआ भाग होगा, जो एकदम जो उठा हुआ भाग है ना, इसको क्या कह सकते हैं, प्रवर्ध प्रोजेक्शंस या उभार, जो उभार है दोनों, ये वाला उभार वह क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज स्ट्रॉस एंड। वह तो होगा स्ट्रॉस एंड। और जो लोअर पार्ट आ रहा है स्लोप का, जो लंबा जा रहा है, लोएस्ट नैरो पार्ट, ये जो नैरो पार्ट है इज कॉल्ड एज टेल एंड। यह क्या कहलाएगा? टेल एंड, राइट? यस। ये प्रिंस, अच्छा मॉर्निंग में भी प्रिंस आपने पूछा था मुझे, सर रिपरक्यूशन का मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग प्रिंस तो सिंपली तो यही होता है कि एनी आपके द्वारा किया गया कोई ऐसा कार्य जिसका कुछ दुष्परिणाम निकले, जिसका क्या निकले, कोई दुष्परिणाम निकले, दैट इज रिपरक्यूशंस। क्या निकले? कोई दुष्परिणाम निकले। प्रिंस पता चल गया आपको, यदि मेरी आवाज आप तक आ रही है तो इसको आप रिप्लाई कर देना या ओके कर देना। मॉर्निंग में भी पूछा था प्रिंस ये क्वेश्चन, प्रिंस अगर मेरी बात समझ रहे हैं तो, मान लो जैसे कोई टीनेजर है, उसने यंग स्कूल में कुछ उल्टा सीधा किया तो उसका दुष्परिणाम क्या निकला? उसका उसको स्कूल से क्या कर दिया गया? रेस्ट्रिक्ट हटा दिया गया, निकाल दिया गया, राइट? तो डिबार कर दिया गया, ऐसा वह मीनिंग होता है आपके इस वर्ड का, राइट प्रिंस? चलिए बढ़ते आगे। एंड इट शेप्स लाइक एन इनवर्टेड स्पून विद द हाईएस्ट पार्ट इज कॉल्ड द स्ट्रॉस एंड एंड द लोएस्ट नैरो पार्ट इज कॉल्ड टेल एंड। टेल, राइट? पता चल रहा है कि इसकी पूंछ है। और टोपोग्राफी क्या कहलाती? बहुत फेमस है ये वर्ड, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी, बिल्कुल इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट वन, बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी बोला जाता है इसे। देखिए इसका स्ट्रक्चर, सो जो हाई एंड है, अपर एंड है, वह तो हो गया स्ट्रॉस, जो नैरो लोअर एंड है टेल एंड, ये टेल एंड हो गया, ये स्ट्रॉस हो गया। लुक हियर, एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ दिस स्ट्रॉस एंड एंड ली स्लोप, यह आपका स्ट्रॉस एंड है लिखा हुआ है, देखिए यहां पर दिख रहा होगा आपको स्ट्रॉस एंड, यह ड्रमलिंस है ओवल शेप्ड, यह इसका स्लोप कहलाता है ली स्लोप, जो नैरो स्लोप था स्पून चम्मच को उल्टा रखा हुआ है, देखिए ऐसे है ना, जो जो सूप पीने वाला बड़ा बाउल्स में रखा आता है वही चम्मच समझ लीजिए, वही स्पून है ये, उसको उल्टा रख दिया। आइस फ्लो होगा उसका डायरेक्शन ऐसे होगा, आइस का जो फ्लो होगा उसका डायरेक्शन ऐसे है, तभी ये इस तरह के स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये ओरिजिनल ड्रमलिंस आप देख सकते हैं, देखिए ओरिजिनल ड्रमलिन का स्ट्रक्चर, यहां ग्लेशिएशन होकर ये डिपोजिशन हुए हैं ग्लेशिएशन के, ये ओरिजिनल ड्रमलिन 1, 2 फिर एक और 3, ये है ओरिजिनल पिक ऑफ ड्रमलिन, उल्टी हुई नौका के समान भी कह सकते हैं, जो बोट होती है उसको उल्टा रख दो तो वह इसी तरह से दिखेगी, राइट? सो ड्रमलिन द डोम शेप माउंट्स ऑफ राउंडेड हमॉक्स रिजल्टिंग फ्रॉम द डिपोजिशन ऑफ ग्लेशियर टिल, किसके कारण बन रहे हैं, किस क्या डिपोजिशन हुए, ग्लेशिएशन टिल और ग्लेशियल टिल आर कॉल्ड ड्रमलिंस, दीज अकर्ड इन क्लस्टर्स, ये क्या होते हैं, समूह में होते हैं, देखिए 1, 2, 3 इस तरह से ये समूह चल रहे हैं, क्लस्टर्स हैं पूरे ड्रमलिंस के, फिर एक और ड्रमलिंस ये बन गया, एक और ये बन गया, यहां देख पा रहे हैं ओरिजिनल पिक,
दीज अकर्स इन क्लस्टर्स एंड रेगुलर पैटर्न्स, बिल्कुल रेगुलरली बनते जा रहे हैं, समूह में बनते हैं और एक रेगुलर पैटर्न में बनते हैं। सच टोपोग्राफी इज कॉल्ड अ बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी। क्या टोपोग्राफी कहलाती है? बास्केट ऑफ एग। फाइन, सो दीज आर ग्रेमलिन्स। राइट, एंड जो एग्जाम्पल एस्कर्स के बताए थे, फिनलैंड का एक बहुत फेमस एस्कर है फिनलैंड का, राइट, जिसको कहा जाता है पुंखाराजू एस्कर्स ऑफ फिनलैंड, पुंखाराजू एस्कर्स ऑफ फिनलैंड, एस्कर्स ऑफ फिनलैंड। ये ड्रमलिन्स है, या ड्रमलिन्स को याद रखना होगा हमें। अब देखिए ग्लेशियेशन, जो ग्लेशियर टिल थी, ग्लेशियर टिल, ये है ग्लेशियर टिल, डिपोजिशन ऑफ इरेगुलर सेडिमेंट्स जिसमें कोअर्स ग्रेन्यूल ब्लॉक सब कुछ आ गया, ऐसे ऐसे बड़े बड़े टुकड़े भी आ जाएंगे, फाइन ग्रेन्यूल्स भी आ जाएंगे। सो दे आर फॉर्म्ड, ड्रमलिन्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्लेशियर मूवमेंट ओवर सम माइनर ऑब्स्ट्रक्शन लाइक स्मॉल सरफेस रॉक्स, and the glacial till gets deposited in those obstructions. glacial till kya ho jati hai? deposit ho jati hai. jaise hi koi obstruction aayega is slope, drumlin ke slope mein kya aayega? obstruction aayega isme, to is slope ke aage ya glacial till deposit ho jayegi, right? isi ko is tarah se dikhaya gaya, ya a b, ye to ho gaya hamara narrow, एंड सी स्ट्रक्चर ये बना ये पार्ट, और डी यहां आया और ई बन गया यहां पर, तो ये स्ट्रक्चर बनता है ऐसे। दिस इज व्हाट ड्रमलिन्स इज लुक लाइक। तो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी इसे बोला जाता है, जो एग के बास्केट होते हैं वो इसी तरह से निकले होते हैं, क्लस्टर में होते हैं ना, तो बास्केट ऑफ एग टोपोग्राफी बोला जाता है, राइट? सो द ग्लेशियर टिल गेट्स डिपॉजिटेड इन दोज ऑब्स्ट्रक्शंस एंड द मूवमेंट ऑफ ग्लेशियर शेप्स दीज डिपॉजिट्स लाइक एन इन्वर्टेड स्पून। अभी बात की थी मैंने उल्टा रखा हुआ चम्मच, तो इसी तरह से दिखाई देता है। देन अभी मैंने एस्कर्स का एग्जाम्पल आपको बताया था, एस्कर्स आउटवॉश प्लेन में एस्कर्स बनते हैं। अब लास्ट जो बचा हुआ है हमारा वह है विंड, इंपॉर्टेंट वन, पवन के द्वारा कौन कौन से स्ट्रक्चर बनते हैं? विंड, हेडिंग लगा देते हैं विंड, राइट? यह क्या इरोजनल स्ट्रक्चर देती है, या यह क्या स्ट्रक्चर बनाती है? द विंड इज द मोस्ट एक्टिव एजेंट ऑफ ग्रेडेशन इन द एरिड एंड सेमी एरिड रीजन्स वेयर रेनफॉल इज वेरी स्कैंटी एंड द ग्राउंड सरफेस इज कवर्ड विद लूज पार्टिकल ऑफ सॉइल। रेनफॉल इज वेरी स्कैंटी, बहुत ही कम होता है, नाम मात्र की वर्षा होती है, और आद्रता और वनस्पति के अभाव में मिट्टी के जो कण होते हैं वह ढीले होते हैं, आपस में पैक नहीं होते हैं, बंधे हुए नहीं रहते हैं, राइट? हाँ, ड्रमलिन की हाइट चली जाती है 6 मीटर से लेकर 50 मीटर तक, कनाडा का ड्रमलिन बहुत फेमस है, राइट? ओके, प्रिंस को आंसर मिल गया, प्रिंस शायद डिटेक्ट हो चुके हैं, तो विल सी विंड लेटर टुमारो आई थिंक। कल वैसे तो चैप्टर नया हमने ले लिया है, लेकिन इसको पहले एंड करेंगे उस चैप्टर के साथ, फिर स्टार्ट करेंगे इसको नेक्स्ट चैप्टर को, लेकिन चैप्टर हमने नया ले लिया है, राइट? यहां एंड होता है विंड के जो स्ट्रक्चर बन जाएंगे डिपोजिशनल, जिसमें यार्डूम है, ज्यूगेन है, मशरूम रॉक है, बहुत सारे बन जाते हैं, प्लाया है, पीडमोंट है, बहुत सारे स्ट्रक्चर है, उनको कंप्लीट करके फिर स्टार्ट करेंगे उस चैप्टर को। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट एंड टुडे क्लास, आप सभी का आभार, इस तरह से
जोश बढ़ाते रहिएगा, बने रहिए इसी चैनल पर जिसका नाम है शौर्य भारत डिफेंस योद्धा यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट, शबा खैर, शुभ रात्रि आप सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट डे नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।